पिंडाल में मौजूद आया जिते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी मेजबानी हट पीडीएम जो जलसो हली रहो है हन वक्त छा सूरत आला अच्छो सबका पहरी त असा गलायो ता सिक्योरिटी जे हवाले सा मैडम नसीमा रा पवर साहब आइन जेके कराची का खास तौर ते इन जलसे जे लाए आयो है अल्हम्दुलिल्लाह असा जो मोर देन 150 का वो लेडीज मौजूद है जी मतलब फीमेल अचन पयूँ पानी पानी फोकस भी किया को भी प्रॉब्लम अलहमदुल्ला तमाम सुठे तरीके से मैनेज थी रहा समझा थी लेडीज हर फील्ड में अग्या समझा थी कि असडीज कंखा भी पोया ना चाहे सिचुएशन कड़ी भी हो हालात कड़ा भी हुन उन चैलेंज कबूल करूट किया गया है जी ये सारी सिंध से आई हुई है और स्पेशली हमारी जो कमांडोज हैं हम लोग कराची से आए हुए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी के तहत पीडीएम का जलसा जिसमें हज़ारों की तादाद में ख़वातीन बच्चे नौजवान बुज़ुर्ग हैदराबाद डिवीज़न से हिटड़ी बाईपास पे पहुंचे हैं और यकीनन उनकी एक ही आवाज़ है कि इमरान खान की जो ढिटाई वाली हुकुमरानी है जिसके तहत उसने आईन पार्लिमान के तमाम उसूलों को सबोताज कर दिया है जहाँ पे उसने आवाम से उनके मुंह से निवाला छीन लिया है बेरोज़गारों बेरोज़गारी में इजाफा हुआ है महंगाई में इजाफा हुआ है आटा चीनी तमाम चीज़ें महंगियों के मुल्क की मईशत तमाम अदारे तबाह कर दिए हैं और एक एक पाकिस्तान की आवाम का एक एक बंदा कहता है कि इमरान खान तुम्हें अब घर जाना चाहिए तुमने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया है लेकिन इमरान खान जो कि किसी के कहने पे बैठा है वो हर धर्मी कर रहा है मुल्क को तबाह कर रहा है जाने के लिए तैयार नहीं लेकिन मैं आपको यकीन से कह दूँ कि पीडीएम की क्यादत इमरान खान को घर बेच के रहेगी ही जलसो जो को आए हैदराबाद है हैदराबाद के का लिखल ना आए तो ही हैदराबाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किलो आए तो हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे इलेक्शन हो चाहे हमारी तहरीक हुजन जलसा जुलूस हुजन उनमें हमेशा से पाकिस्तान हैदराबाद की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कामयाबी डी उन साथ रो हम जो जलसो है यो कामयाब जलसो थो तो ही अवामी जलसो है अवाम बुधाए पी तो इन वक्त जी मुश्किल हालात हलन पा न्याजी जो हुकूमत जो पाकिस्तान की अवाम लाको अता बांधो है चाहे वो महंगाई की सूरत में हो चाहे करप्शन की सूरत में हो बेरोजगारी सूरत में हो जवाब अवाम दई रही है तो हि जो असाजे लाको अता बांध खत्म करने पीडीएम जो हैदराबाद जो जलसो है कामयाब जलसो थो हैदराबाद डिवीजन में पहले भी सियासी जलसे होते रहे लेकिन आज का जो पीडीएम का जलसा है ये ना सिर्फ पीडीएम की तारीख में बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे हुक्मरानों की नींदें उड़ाने के लिए रखा गया है और जो हमारे हुक्मरान कहते थे कि पीडीएम का खात्मा हो चुका है या पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग हो चुकी है तो ये मैं समझती हूँ कि ये इतना बड़ा क्राउड उनके मुंह पर तमाचा है असाके इन जलसे में जेका उम्मीद है जेड़ो मुल्क जो हाल है शहर इन सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहवा ये असि सियासी जंग आ उन जंग में इंशाल्लाह असी खटंदासी ए असा पंजो जो को सियासी रोल आ सियासी वर्क आ सियासी कम असा शुरू करे दिनो आ साजी साहिबा इस हैदराबाद के पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में जो पीडीएम का जलसा है इसको किस तरह से देख रहे हैं उम्मीदें क्या कर रही हैं इस जलसे से पहले ही उसको सिंध की आवाम ने 2018 में रिजेक्ट किया था और आज हैदराबाद का जलसा कील में आखिरी ताबूत की तरह साबित होगा इंशाल्लाह ये हुकूमत हमारे लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ख़त्म होगी और आज का जलसा बताएगा कि कुर्सियों की ज़रूरत नहीं है जियालों को जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरा ताल्लुक हैदराबाद से और इस जलसे के हवाले से माशाल्लाह से तकरीबन हम जब सुबह आए तो तकरीबन जो है आवाम जो है यहाँ पर तकरीबन काफ़ी हद तक आ चुकी थी और अभी भी तकरीबन जो है हमारे जलसे के अंदर कुर्सियाँ भर चुकी हैं और आवाम जो है बिल्कुल जलसे गाह के बाहर तलग है कुर्सियाँ ख़त्म हो चुकी है यानी कि जलसे गाह में ये हालत है अभी कंडीशन कुर्सियों भरे हुए करे वही रहे चाहे ना कहके कुर्सियों पर सब मीर जे शो बिलावल जी खुशी में कित वही रहे हूँ सब बस सब लगा पे हाँ जो सबको पंजे मसरूफ़ है बस असा कुर्सियाँ मिली को वेठा बी बी थकी
करनी पवे इते असा बियो अन्या कुछ भी कोनी न ताई अची वेई रहया इन को कासे मानी वठण आऊं तो मानी भी न थानी न धिके भरे करे छडे तन क्रेडिट जको हैदराबाद जी आवाम के वने तो छो तो वो इन हुकूमत मा एडो बेजार ने महंगाई में जको मानो अगे चंदा नी टेवेले जी मानी पर हाणो ब मानो ब मेले जी मानी जे लाय परेशान है तमाम ज़बरदस्त इंतजाम है न इत पानी जो बंदोबस्त है लेडीज़ जो बंदोबस्त है चेयर कुर्सी वगैरह सब सभी ऐसो जैसे आवाम जो समुट थी वह तो डिसिप्लिन जो है वो एतरो घणो न रहंदो आ पर तवा हन मानन जे चेहरन जी मुर्ख दिसो जज्बो दिसो जेके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जे लाए आज इते जियालियो कठे थी वन हनन जो अंदाज दिसो हनन जो अंदाज है गुफ्तगु दिसो उनका व्यूज वठो तो तवा के अंदाजो थी विंदो तो हनन जो सिर्फ एकरो ही विजन आहे तो हनन जो एकरो ही पैगाम आहे तो हन मौजूदा गवर्नमेंट के खत्म करे असा के जेको मुल्क के बचाइणो आहे इन जलसे के जी तैयारियों शुरू थी तो अस दी पे तैयारियों शुरू कर दिना सरदार जाम खान की अगवाणी में हि जी भी असि टीम है अस जी भी जलसे में वेठा असो तो यो मकसद आ सिर्फ इमरान खान के घर पुजाण हाँ हि जलसो माना समंड की तरह उथली पव इनशाला हि जलसे का इमरान रपड़ गोल कर घर वे सही अलहमदुल्ला असि ईद का खुशी थी रही है पर खुशी यह है पर जैस तक निंड नी तेस इमरान खान पी सीट खाली न कद NTV News.